दोस्तों, डायबिटीज़ या शुगर सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। और इंडिया को तो डायबिटीज़ का कैपिटल भी कहा जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्प्रेड क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा पॉपुलर, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। राइट, प्रॉपर नॉलेज की कमी के कारण लोग दोस्तों इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, शुगर लेवल, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ, जो भी मैंने इंटरनेट या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन किया है वो चीजें मैं आज आपको डिलीवर करने वाला हूं। राइट, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिए अच्छे से और इस वीडियो को हर एक डायबिटीज पेशेंट को दोस्तों शेयर करिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। और दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि डायबिटीज़ होता क्या है। व्हाट इज़ डायबिटीज़? एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इन अवर ब्लड। हर इंसान के जो खून होते हैं, जो ब्लड होता है, उसके अंदर शुगर की मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। लेकिन जब ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, ब्लड में बढ़ जाती है, तब हम डायबिटीज़ पेशेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन। और लेकिन अब ये समझना होगा हमको कि शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ता क्यों है, ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी में कि किसी का शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और किसी का बढ़ जाता है। तो दोस्तों, बॉडी में एक नेचुरल फंक्शन होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन फॉर्मेशन। किडनी के नीचे एक एरिया होता है पेनक्रियाज। ठीक है, और पेनक्रियाज का काम होता है कि हमारे जो ब्लड है उसमें जो शुगर का मात्रा है, शुगर का लेवल है, उसको कंट्रोल करे। लेकिन जब पेनक्रियाज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, ड्यू टू नॉन प्रॉपर फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज अवर शुगर लेवल इंक्रीजेज। मतलब अगर पेनक्रियाज अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो इंसुलिन नहीं बनाएगा, और इंसुलिन नहीं बनाएगा तो शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। राइट, तो ये सबसे पहला कारण है कि हमारा बॉडी का जो पेनक्रियाज है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, जिस कारण से हमारा शुगर लेवल बॉडी में बढ़ते जा रहा है। दूसरा कारण होता है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंसुलिन। अब पेनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन वो बॉडी में फैल नहीं रहा है, वो खून में डिजोल्व नहीं हो रहा है, अच्छे से फैल नहीं रहा है। राइट, तो ये भी एक दूसरा कारण होता है कि हम अगर इंसुलिन फैलेगा ही नहीं तो क्या वो कभी शुगर ग्लूकोज तक पहुंच पाएगा? ग्लूकोज तक अगर वो पहुंच नहीं पाएगा तो कैसे हमारा बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है उसको वो मेंटेन करेगा? ठीक है, तो ये दो कारण होते हैं। सबसे पहला होता है कि पेनक्रियास काम नहीं कर रहा, दूसरा कारण होता है कि इंसुलिन शुगर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, खून में वो ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो समझते हैं दोस्तों सबसे पहले कारण को लेके हम, नॉन प्रॉपर फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। कि अब इसके लिए क्या हल है हमारे पास कि नॉन प्रॉपर फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज को कैसे हम दूर करें? तो भैया, नॉन प्रॉपर फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज के लिए एक सीधा सा एग्जांपल है कि हमको हमारा पेनक्रियाज फिर से काम में लाना होगा। जिस तरीके से कोई भी कंपनी जब बंद हो जाती है तो हम सोचते हैं ना ये कंपनी फिर से चालू हो जाए, उसी तरीके से आपका पेनक्रियाज कंपनी है जो इंसुलिन बनाता है, तो आपको अपने पेनक्रियाज के नाम का जो कंपनी है उसको फिर से जिंदा करना है, उसको फिर से एक्टिवेट करना है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सेल एक्टिवेटर यूज करना होगा। राइट, और हमारे बॉडी केयर में सेल एक्टिवेटर नोनी जूस है, आप नोनी जूस के पीछे पढ़ सकते हैं, क्लियरली वहां मेंशन है नोनी जूस इज अ सेल एक्टिवेटर। राइट, और नोनी जूस यूज करने से बहुत सारे कंडीशन में देखा गया है कि जो पेनक्रियाज है वो फिर से फंक्शन करना चालू करता है, और पेनक्रियाज अगर फंक्शन करेगा प्रॉपरली तो शुगर लेवल नेचुरल तरीके से मेंटेन रहेगा। तो पहला है नोनी जूस, और दूसरा है दोस्तों रेड कोरियन जिनसिंग। रेड कोरियन जिनसिंग भी एक सेल एक्टिवेटर है जो बॉडी के सेल लेवल को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है और हमारे बॉडी को एक्टिवेट करता है। तो आप इनिशियल लेवल पे नोनी जूस से चालू कर सकते हैं आपके पेनक्रियास को वापस में फंक्शन लाने के लिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप यूज़ करिएगा अपने पेनक्रियास को फंक्शन करवाने के लिए, उसको फिर से एक्टिवेट करने के लिए, वो होता है ग्रीन टी। अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो डेफिनेटली चाय कॉफ़ी पीना छोड़ दीजिए, और ज़्यादातर शुगर पेशेंट तो चाय कॉफ़ी पीते भी नहीं है। राइट, यहाँ पे हमको क्या करना है, ग्रीन टी का यूज़ करना है। आप नॉर्मल पानी में, पानी को जैसे हम गर्म करके ग्रीन टी का जो बैग होता है उसको हम डालते हैं, और बिना उसमें कुछ मिलाए, शुगर उगर कुछ नहीं मिलाना है आपको। ठीक है, नॉर्मल ग्रीन टी आपको कंज्यूम करना है, जिससे आपका बीटा सेल इंक्रीज होगा और पेनक्रियास काम करना चालू करता है। तो नोनी जूस और ग्रीन टी, ये दो ऐसे चीज़ हैं जिससे हमारा पेनक्रियास फिर से फंक्शन करना चालू करता है। सेकेंड आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंसुलिन। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंसुलिन के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये बहुत सारे कंडीशन में देखा गया है कि जिनके बॉडी में
कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है जिनके भी बॉडी में, उनके बॉडी में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता इंसुलिन का या अदर चीज़ों का। तो हमको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे फ्लैक्स ऑयल का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों, फ्लैक्स ऑयल या डिटॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे नोनी जूस और डिटॉक्स का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई भी शुगर पेशेंट है जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है उनको आप एक पैकेज दे सकते हो नोनी और डिटॉक्स का। आप डेफिनेटली नोनी और डिटॉक्स यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे अलग अलग शुगर पेशेंट को और भी बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ कस्टमाइज प्रोडक्ट देना होगा। क्योंकि ये देखिए, आप अगर सोचेंगे कि हर चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर किसी का प्रॉब्लम अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको शुगर भी होता है उसके साथ वीकनेस की प्रॉब्लम भी होती है, तो आप उनको नोनी जूस, डिटॉक्स और उसके साथ साथ में मल्टीविटामिन दे सकते हो। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शुगर के साथ इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, सूजन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको नोनी जूस, डिटॉक्स और फ्लैक्स ऑयल हम दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको सामने वाले का जो प्रॉब्लम है उसको देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम इनको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ में दे सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप एक शुगर पेशेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में कुछ गिफ्ट्स हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आप नेचुरल तरीके से, एक एक्शन प्लान आपको मैं देने वाला हूँ कि डेली आपका क्या रूटीन होना चाहिए, क्या आपका फूड हैबिट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला, आप नॉर्मल जो शुगर होता है जो मार्केट का हम यूज़ करते हैं, जिसको हम चीनी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है, शक्कर, उसका यूज़ करना आपको छोड़ना है। इसके जगह आप स्टीविया यूज कर सकते हो। स्टीविया एक नेचुरल होता है, उसमें कैलोरीज कुछ नहीं होती और मोदी केयर में स्टीविया प्रेजेंट है। डेफिनेटली अगर आप कुछ आपके घर पे अगर कुछ मीठा बन रहा है, अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो उसमें आप स्टीविया पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपको वो मीठा भी लगेगा और कैलोरी भी नहीं बढ़ेगी और शुगर लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, पहला तो शुगर लेवल नॉर्मल चीनी आपको यूज़ नहीं करना है। दूसरा है डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। दूध के बने हुए सामान आप बहुत कम यूज़ करें तो बहुत बढ़िया है। तीसरा है एनिमल प्रोडक्ट, आप चिकन, नॉनवेज, ये सारा जो चीज़ें जो लोग खाते हैं उनका भी शुगर लेवल हमेशा बड़ा होता है, तो आपको ध्यान देना है कि डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ ना करें और नॉनवेज प्रोडक्ट भी यूज़ ना करें। नेचुरल में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, कितने सारे उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, राइट। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हमको नेचुरल तरीके से न्यूट्रिशन मिल सकता है ना, प्लांट न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो प्लांट न्यूट्रिशन, नेचुरल न्यूट्रिशन जितना ज़्यादा यूज़ करें उतना अच्छा है। एनिमल डेयरी प्रोडक्ट से दोस्तों आप दूर रहें। और अब मैं आपको जो एक्शन प्लान बताने वाला हूँ उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि भैया डेली आपका फूड हैबिट कैसा होना चाहिए, डेली एक्शन प्लान फॉर शुगर पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि मॉर्निंग में जो आप लंच लेते हो, सॉरी मॉर्निंग में जो आप ब्रेकफास्ट लेते हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट में आपको यूज़ करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, ठीक है, फल और सब्जी का आपको यूज़ करना है। आप सब्जी में ऐसे सब्जी जो हम रॉ कच्चा खा सकते हैं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, इस तरीके का जो सब्जी होता है उसको आपको यूज़ करना है मॉर्निंग में। और दोस्तों ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। आप नेट पे सर्च भी करोगे DIP डाइट तो आपको मिल जाएगा कि भैया शुगर पेशेंट अगर DIP डाइट को फॉलो करता है तो उसको मतलब 72 घंटे के अंदर उसका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो ये DIP डाइट का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेचुरल फ्रूट और सब्जी यूज़ करना है, फल और सब्जी यूज़ करने हैं मॉर्निंग में आपके ब्रेकफास्ट में, ठीक है। ब्रेड और ये सारे चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं ना सुबेरे, चपाती, ब्रेड, ये सब यूज़ ना करें। सेकंड आता है दोस्तों लंच। अब लंच में क्या ले, लंच में जो भी हम खाते हैं अपने घर पे, चावल, दाल, आटा, गेहूँ, राइट, समझ रहे हैं ना, रोटी, सब्जी, जो भी हम खाते हैं वो चीज़ें आपको खाना है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सलाद भी अपने लंच में ऐड करना है, ठीक है। लंच में, लंच और डिनर में आप खाना के साथ साथ सलाद भी ऐड करो, रॉ जो वेजिटेबल्स होते हैं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, इस तरीके का जो भी वेजिटेबल्स होते हैं जिससे हम सलाद बनाते हैं उसको आप डेफिनेटली ऐड करिए, ठीक है। फिर डिनर, ये गलती बहुत सारे शुगर पेशेंट करते हैं जिनका शुगर, जिसके कारण उनका शुगर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि भैया शुगर पेशेंट रात को 11 बजे 10 बजे ऐसा खाना खा रहा है तो क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं,
डेफिनेटली बढ़ेगा। आपका जो रात का डिनर होना चाहिए, जो रात का आपका खाना होना चाहिए, वो 7 बजे से 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप दुकान चलाते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आपका काम रात में ज़्यादा चलता है, तो आप घर से खाना मंगवा लो अपने दुकान पर और जल्दी खा लो। या अगर आप जा सकते हो घर, तो आप घर पर बोलो कि भैया 7 बजे तक आप लोग खाना बना दो और मुझे भेजवा दो कि मैं 8 बजे तक खा लूँ। या आप घर वहाँ पर जाके अपने घर में जाके खाना खा के फिर आप वापस काम में आ सकते हो। तो इसमें लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आपको रात में जल्दी खाना खाना है। 7 बजे से 8 बजे के अंदर आपको अपना खाना कंप्लीट करना है, ठीक है? इस चीज का आप ध्यान दे दो, 1 महीने के अंदर, 1 महीना भी नहीं, 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। यूज कोकोनट, नारियल पानी और नारियल का यूज जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतना ज्यादा करो। दिन में एक बार या 2 दिन में 1 बार जरूर आप एक नारियल पानी पियो, और नारियल जितना आप खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा एक नेचुरल चीज है, अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी बढ़िया होता है। तो पूजा पाठ अगर आप करते हो तो प्रसाद में नारियल मिलता ही है, थोड़ा सा ज्यादा प्रसाद बढ़ा लो, क्या दिक्कत है, राइट? तो ये सारी चीजों को दोस्तों अगर आप फॉलो करोगे, और मोदी केयर का नोनी डिटॉक्स और ग्रीन टी अगर आप यूज कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको अपने शुगर लेवल में देखने को मिलता है। और आई होप इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो, मैंने जो रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाया है, जो मैंने अपने आसपास में जो लोग हैं जिनको रिजल्ट मिला है उससे रिलेटेड करके ये वीडियो बनाया है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा। आपको कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट कौन सा हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के बारे में जानना है, कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जानना है, उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है इस वीडियो को हर एक शुगर पेशेंट के साथ, कि वो सीख सके कि कैसे उनको नेचुरल तरीके से फिट और फाइन रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में।